हमने पढ़ा है अनेकता में एकता, ये हमारे देश की पहचान है। तो वही तो एक कल्चर अलग, समाज अलग, सब कुछ अलग अलग। ये एकता तो तोड़ के अनेकता में जा रहे हैं। मैंने ऐसा कोई भी सुनने, आपने एक टैगलाइन ले ली अनेकता में एकता, मगर आपने उसका उल्टा जो है उसका वर्णन किया। अनेकता में एकता होता है कि हम अलग अलग जातियों में विभाजित हैं, अलग अलग धर्म विभाजित हैं, लेकिन एक होकर रह रहे हैं। राहुल गांधी हमारा पीएम बनेंगे, हम तो राहुल गांधी को ही बनाएंगे। विपक्ष को जिताओ, इंडिया अलायंस को जिताओ, कर्नाटक का हाल देखो, मध्य प्रदेश का हाल देखो, महाराष्ट्र में क्या हुआ था वो देखो, फिर अपने देश का हाल देखना वो क्या होता है, अपना हाल देखना क्या होता है। मोदी जी तो बौखला गए हैं, कहाँ क्या बोल रहे हैं, उनकी उम्र हो गई है, अब हमारे हिसाब से तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और झोला उठा लेना चाहिए। राहुल गांधी इस देश के सबसे यंगेस्ट युवा नेता है, ऐसे युवा नेता जो आज तक मैच्योर भी नहीं हो पाए। गूगल में सर्च कीजिएगा सबसे फेकू नेता कौन है, तो गूगल सबसे ऊपर सर्च कर देगा नरेंद्र मोदी। मोदी जी फेकू हैं और उन्होंने बहुत सी चीज़ों को उठा के देश के बाहर फेंक भी दिया। 370 को फेंका, पुराने अंग्रेजों के समय के चले आए कानूनों को उठा के फेंका, भ्रष्टाचार को उठा के फेंका। मोदी जी के जो एक मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके अलावा किसी एक ने काम नहीं किया। कांग्रेस भले ही किसी चीज़ में हो या ना हो, लेकिन वो देश की नीतियों को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। तीसरी बार ऐतिहासिक तरीके से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ जो है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मालवानी। लोकसभा चुनाव की लहर जारी है देश भर में, अभी 3 चरण हो चुके हैं और 4 चरण अभी बाकी हैं, जिसको लेकर काफ़ी जो है कई तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जहां बीजेपी कह रही है कि भाई 190 सीटें हमारे खाते में ऑलरेडी आ गई है और जो बाकी की हैं वो भी आने वाली है, वहीं कांग्रेस और यानी कि गठबंधन कह रहा है कि जीत तो हमारी पक्की है, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। उससे पहले जनता का क्या कहना है, अभी 3 चरणों की जो चुनाव प्रक्रिया हुई है, मतदान हुए हैं, उस पर उनका क्या नजरिया है, वो किस तरीके से देख रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी है पूरे देश भर में, उस पर उनका क्या कहना है, चलिए उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम मनीष प्रजापति। जी मनीष, क्या कहना है, देखिए 3 चरण हो गए हैं चुनाव के और अभी 4 बाकी हैं, लेकिन 3 जो चरण हुए काफी चर्चाओं में हुए हैं। एक तो वोटिंग कम हुई और वोटिंग कम होने के बाद कई तरीके के लड़ाई झगड़े देखने को मिले, कहीं तो ईवीएम भी जला दिए गए और पक्ष और विपक्ष का जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी जारी रहा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ईवीएम जला दिए गए, पक्ष विपक्ष का जो दौर है, पहले 2 चरण के अंदर जो वोटिंग रही वो निसंदेह की कम वोटिंग हुई है। उसका मेन मुख्य जो कारण मैं समझता हूँ कि पहले 12-13 पार्टियाँ एक सीट के ऊपर लड़ा करती थी, आज वही 11 पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाकर अपना सिर्फ एक कैंडिडेट उतारे हैं। मतलब जहां पहले 11 कैंडिडेट उतरते थे वहां एक कैंडिडेट उतरता है, बीजेपी की तरफ से एक कैंडिडेट उतरता है, कुछ एक निर्दलीय उतर जाते हैं। तो कुल मिला के वोट का परसेंटेज इसलिए भी कम हुआ है कि अगर कोई कांग्रेस का पक्षधर है, कांग्रेस को वोट देने वाला है, और उसके क्षेत्र से अगर कोई सपा का या बीएसपी का या नीतीश लालू का किसी का कैंडिडेट खड़ा है तो वो उसको पसंद नहीं करता, तो ऐसे में वो वोट डालने नहीं जा रहा है। उसके वोट ना डालने की वजह से परसेंटेज कम हुआ है, मेन मुख्य कारण परसेंटेज कम होने का कारण ये है। अब दिल्ली से आम आदमी पार्टी को अगर कोई वोट देने वाला है और वहाँ से कोई कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हुआ है तो निसंदेह वो आम आदमी पार्टी वाला वोट डालने जाएगा नहीं, और जाएगा तो वोटा नोट नोट पर वोट डाल देगा या फिर अपने 2-4 साथियों को भी कहेगा क्या करेगा वोट डाल के, हमारा कैंडिडेट तो इस इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ है। तो वोट का परसेंटेज कम होने का मुख्य कारण सिर्फ एक यही है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जानकर धूप में या फिर गर्मी के समय में चुनाव कराती है ताकि जनता वोट करने ना जा पाए, ऐसा है? पिछले लोकसभा चुनावों को उठा के देखो, चुनावों का दौर जो है वो यही होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसा कोई समय नहीं है कि दिसंबर में वोट पड़ रहे हो। किसी कारणवश हो सकता है कि सरकार अल्पमत में आ गई, सरकार गिर गई, उस वजह से इलेक्शन हो गए, तो एक अलग बात है। लेकिन लोकसभा अगर पूरे 5 साल चलती है तो लोकसभा के चुनाव का जो समय होता है वो ये गर्मियों का समय होता है, इसको कोई पूर्व निर्धारित नहीं करता। और चुनाव जो होता है उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, उसकी डेट का निर्धारण करना, उसको कैसे चरणों में लेना है, किस सुरक्षा में लेना है, ये चुनाव आयोग देखता है। हालांकि चलो ठीक है, चुनाव आयोग को आप समझ सकते हो कि एक सरकार के अंतर्गत काम करता है, मगर चुनाव आयोग संविधान के तहत एक स्वतंत्र संस्था है जो किसी के अंडर में काम नहीं करती और अपना काम निष्पक्ष तरीके से करती है। अच्छा,
लेकिन देखिए जैसे वोटिंग कम की अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो है बौखला गई है, देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है बौखला गए हैं, बौखलाने जैसी बातें कर रहे हैं। कल उन्होंने बयान दिया जो है अडानी अंबानी को लेकर, जिनको उनको दोस्त कहा जाता है, उस पर ही वो खुद उनके खिलाफ बोल गए, तो कह रहे हैं कि ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है। देखिए बौखलाहट तो दोनों तरफ से बराबर है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से है मोदी जी की तरफ से या राहुल जी की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। बौखलाए हुए तो दोनों ही तरफ से लोग हैं, और मोदी जी ने अगर अडानी अंबानी जी के लिए कुछ बोल दिया, ये बात नहीं है कि आज उन्होंने बोल दिया है कि कल किसी ने बोला नहीं था। कल बोलने वाले भी थे, आज भी बोलने वाले हैं, कल भी बोलने वाले होंगे, और इन्हीं उद्योगपतियों से, पार्टियों से, पार्टी में चंदा लेने वाले भी यही सब लोग हैं। तो ये तो आपस की राजनीति है, जनता सब जानती है, जनता सब जान चुकी है, जनता सब देख रही है। इन्हीं से पैसे लेते हैं, इसी इन्हीं पर भौंकते हैं और इन्हीं को गालियाँ देते हैं और अपना उल्लू भी सीधा करते हैं। अच्छा, चलिए मैं आपसे दोबारा आप पर पहुँचूंगी सवालों के साथ, मैं आपसे बात कर लेती हूँ। आपका नाम? वसीक अहमद। क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं अभी लोकसभा चुनाव की स्थिति को? गठबंधन जीत रहा है। अच्छा, कैसे? मैं अभी यूपी में आप जो पहले चरण में हैं, मोदी जी पूरी तरह से जो आप बोल रहे थे अभी भाई सुन रहा था मैं, बौखला गए, पहले चरण में वो लेकर आए मछली, मछली पे एक स्टेटमेंट दिया था। अच्छा। दूसरे में लेकर आए मंगलसूत्र। अच्छा। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी ये कह रहा है। तीसरे में लेकर आए भैंस, भैंस ले देंगे आपकी। चौथे में लेकर आ गए अडानी अंबानी। अब खुद सोचिए, जो इंसान पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए खुद कह रहे हैं कि अडानी अंबानी कांग्रेस को टेम्पू भर भर के पैसा दे रहे हैं। अच्छा। पैसे दे रहे हैं तो उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही? हाँ। एक बिना कोई भी विदाउट संवैधानिक पद पर रहते हुए केजरीवाल के विरुद्ध FIR लॉन्च कराई कांग्रेस ने। हाँ। तो उनको जेल में डाल दिया। अब एक संवैधानिक पद पर रहते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अडानी अंबानी ब्लैक मनी दे रहे हैं कांग्रेस को। अच्छा। तो उनका कुछ नहीं कर रहे। अच्छा। तो ये इनकी भ्रष्टाचार की नीति है, भ्रष्टाचारी हैं। अच्छा। लेकिन अगर बयानों की बात करें, आपका जो ये सवाल है ये मैं अभी इस पर दोबारा से चर्चा करूंगी, लेकिन अगर बयानों की बात करें तो कल सैम पित्रोदा ने इतना भारी बयान दिया जहाँ उन्होंने देश के लोगों को लुक्स से कंपेयर कर दिया कि यहाँ के लोग काले दिखते हैं, यहाँ के लोग चाइनीज दिखते हैं, तो क्या आपको ये चीज़ सही लगती है? क्या कांग्रेस को उनका, सैम पित्रोदा का ये बयान और जो पहले भी विरासत कर का उन्होंने बयान दिया है वो पीछे पछाड़ देगा कि कांग्रेस की हार का कारण सैम पित्रोदा हो सकते हैं? लेकिन देश में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो तो अलग बात है। उसने जो अगर दिया है, अगर उसने जातिगत या व्यक्तिगत या किसी को रंग भेद के किया तो गलत किया है। लेकिन मैडम एक फ़र्क है ना, एक मैं आम आदमी हूँ, मैं कुछ भी बोल दूँ, वो जो है वो आम आदमी है, कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, उनकी बात की इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन एक संवैधानिक पद पे रहते हुए जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी बात की वैल्यू होती है, उसी की कोई वैल्यू है? लेकिन उनकी वैल्यू अगर नहीं होती, कहा जाता है राहुल गांधी के तो बहुत करीबी, अगर कुछ काम करते हैं तो पहले सैम पित्रोदा से बात करते हैं। मैडम देश की किसी संवैधानिक पद पे हैं? कांग्रेस के पद पे है ना कि देश के? देश का हम कांग्रेस के हैं ना, देश के नहीं है ना। बात मैम देश के और कांग्रेस के, बीजेपी का होना अलग बात होती है, देश का और बीजेपी का, देश का। अब मोदी जी हैं, उनके बयान पर बात तो कांग्रेस पर ही उठेगी ना, उंगली तो कांग्रेस पर उठेगी ना। तो मैडम उनका गलत तो गलत है, तो मैडम क्योंकि वो किया है वो आपराधिक है तो उस पर केस चलाओ। लेकिन मोदी जी जो क्लियर कह रहे हैं उस पर केस नहीं चल रहा, वो तो आप क्राइम केस हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ब्लैक मनी आ रही है, मोदी खुद कह रहा है ब्लैक मनी। नहीं, सैम पित्रोदा के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं, और सैम पित्रोदा ने अभी जो कहा और उससे पहले जो कहा, वो पूरी तरह कांग्रेस उसको लागू करती है, कांग्रेस उसके कहे पे चलती है। वो कांग्रेस भले ही किसी चीज़ में हो या ना हो, लेकिन वो देश की नीतियों को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। और जो उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने क्या कहा, इस पर एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत कहीं से भी एक देश नहीं है, यह नस्लों का देश है। भारत में जो साउथ में रहते हैं वो काले हैं, वो अफ्रीकी लगते हैं, और जो अरुणाचल प्रदेश, उत्तर भारत, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहते हैं वो चाइनीज़ लगते हैं, और जो पहाड़ियों की छत्र में रहते हैं वो अलग लगते हैं। तो उन्होंने एक देश को पूरे तरह से खंडित करने की कोशिश करी है, और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो देश के खिलाफ बोलेगा, मेरा हक बनता है उसके खिलाफ बोलने का। मेरा हमारे देश में अनेकता में एकता है, कल्चर, शक्ल, फेस्टिवल सब एक हैं, अलग अलग हैं। हर आप जाओगे राज्य में, शक्लें भी अलग हैं, राज्य भी अलग है, भाषा भी अलग है, बोली भी अलग है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन फिर हम केवल तीन त्यौहार ऐसे हैं जो हम एक साथ मनाते हैं,
रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और 2 अक्टूबर, ये हम अपने फेस्टिवल मनाते। बाकी इसके बाद आप जाओगे तो अनेकता में, वो तो रियलिटी बात है, आप जाओगे, आप नॉर्थ ईस्ट साइड में जाओगे तो जातिवाद, उनकी शक्लें जो हैं, मैं भी मानता हूँ शक्लें भले से, देखिए मैंने ये सुना चाइनीज़ हैं वो लोग, चाइना के हैं, उनकी जो शक्लें जो हैं वो चाइना से जैसी लोगों की हैं। आप जाओगे, आप इधर जाओगे, आप इधर, आप इधर भी जाओगे ना गढ़वाल साइड में, इन लोगों की भी कुछ नेपाल नेपाल सेट की जैसी लोगों की हैं। इनका सवाल इनसे ले लेते हैं, इन्होंने भी कहा कि भाई शक्लें हैं ऐसी, यानी कि वो भारतवासी नहीं है, ये भी शक्लों से नहीं। कहने का मतलब देखिए यही बनता है, आपको समय दिया, देखिए आपको समय दिया, आपको समय बात को आगे बढ़ाया है, आपने देश के अखंडता की बातों को खंडित करने की कोशिश की है, पढ़ा है, मैं आपने कहा कि हाँ देखिए शक्लें तो अलग लगती है, आपने मैंने कहा साउथ इंडिया के मैंने भी अफ्रीकी जितने भी साउथ अफ्रीका साउथ इंडिया के काले लोग हैं इनके अनुसार वो अफ्रीकी लगते हैं, क्या उनके बाल अफ्रीका के तरह के मैडम, मेरा वो मेरा पहला बोल बढ़ क्या था, हमने पढ़ा है अनेकता में एकता, ये हमारे देश की पहचान है, तो वही तो एक कल्चर अलग, समाज अलग, सब कुछ अलग अलग है, फिर भी एकता एकता, यही तो मैं इंडिया एकता से अनेकता में जा रहे हैं। ये एकता को तोड़ के अनेकता में जा रहे हैं। मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं, आपने एक टैगलाइन ले ली अनेकता में एकता, मगर आपने उसका उल्टा जो है उसका वर्णन किया। सर जी मैंने उसके लिए से बात नहीं की, मैंने कहा हमारे देश में अनेकता में एकता, ये हमारे देश की खूबसूरती है, ये देश के खिलाफ है, हमारे देश में हर तरह के फूल है, इसको तोड़ने की साजिश है, एक बगीचा है, उस बगीचे में हर तरह के फूल करेंगे, हर लेवल पे खंडन करेंगे, हर हमारे देश है, ये बगीचा है, इसमें सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ये बुलबुले हैं इसके, ये गुलदस्ता हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे जो फूल हैं अलग अलग तरह के फूल हैं, अलग अलग मैंने बताया ना अनेकता में एकता, और लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। अब उन्होंने किस कॉन्सेप्ट में कहा उसके बारे में, उन्होंने कहा ही नहीं कि भारतीय हैं, वो तो कहता है एक देश लगता ही नहीं है, वो कहता है कि ये अलग अलग देश के लोग हैं। कि अगर देखिए आजकल की लैंग्वेज में कहें तो उन्होंने ट्रोल किया है, ट्रोलिंग आप समझते हैं, ट्रोल किया है उन्होंने। मैडम इनसे पूछो कि सैम पित्रोदा ने इससे पहले जो कहा वो क्या कहा था। देखिए जो अनेकता में एकता की बात कर रहे हैं, अनेकता में एकता क्या होता है, अनेकता में एकता होता है कि हम अलग अलग जातियों में विभाजित हैं, अलग अलग धर्म विभाजित हैं, लेकिन एक होकर रह रहे हैं, कल्चरली डिवाइडेड हैं उसमें, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि हम लोग बस रंग के हिसाब से किसी को जज किया जाए, ये रेसिज्म है। रेसिज्म जैसे अमेरिका में चलता है, वो आदमी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष होकर ऐसी बयानबाजी करता है, और भी विदेश में बैठ के कहीं पे बैठ के, ये भारत के लोगों को कम आंकने की इसकी एक परंपरा है जो कांग्रेस की मानसिकता को वो करता है, प्रदर्शित करता है, ये दिखाता है कि कांग्रेस भी ऐसी सोच रखती है, क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष पहले भी ऐसे उल्टे फुलटे बयान दे चुका है। सैम पित्रोदा एक अमेरिका आदमी है जो कांग्रेस की नीतियों को निर्धारित करता है, कांग्रेस को दिशा देता है चलने के लिए, उसको मार्गदर्शन देता है। दूर संचार का भी जो इंडिया में जिन्होंने संकेत दिया था वो वही है। अभी चलिए अभी ये सर्च कर रहे हैं इतने, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जरा थोड़ा सा बता दीजिए इनकी बातें आपने सुनी होंगी, क्या कह रहे हैं? नहीं, जैसे देश के बारे में अगर उन्होंने बोला है वो तो देश के लिए गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ के साथ मोदी जी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी पे कैसे कार्रवाई? उन्होंने भी तो झूठ बोला है, बहुत बातें झूठ बोली है। अब उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र निकालने की बात है, कहाँ लिखा है मैनिफेस्टो में बताइए? कहा था कि संपत्ति अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम संपत्ति जो है चेक करेंगे, सबके सर्वे करेंगे और देखेंगे किसके पास कितनी संपत्ति है, जिस पर सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में आधा आधा बांट दिया जाता है तो वो भारत में भी लागू होना चाहिए, तो उस चीज़ को लेके कहा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपके मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। नहीं, मंगलसूत्र का बात ही नहीं उसमें लिखा है। अच्छा। मोदी जी तो बौखला गए हैं, कहाँ क्या बोल रहे हैं, उनकी उम्र हो गई है, अब हमारे हिसाब से तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और झोला उठा लेना चाहिए, लेकिन आने वाले ये जो 2-3 चरण का चुनाव है उसके बाद इनको पता लग जाएगा और झोला उठाएंगे और इनको यहाँ से हटाने का काम किया। अच्छा, 7 चरण भी नहीं देखेंगे चुनाव के आपके साथ? अब तो उनको पता लग गया है, 3 चरण जो निकले हैं इन्हीं में उनको पता लग गया है। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि भाई 190 सीटें तो ऑलरेडी हम जीत चुके हैं। कहने के लिए तो अमित शाह कुछ भी कह दे, अमित शाह तो ये भी बोल रहे थे कि दिल्ली में 7 का 7 सीट जीत रहे हैं, कितनी सीटें मिली कर्नाटक में, कितनी सीटें मिली, तो बोले तो दिल्ली में तो बीजेपी की है अभी 7 सीटें, गठबंधन को के लिए ज़्यादा टक्कर है। नहीं, वो जैसे जो मुख्यमंत्री की जब चुनाव हुई थी तब उन्होंने कहा था कि 60 सीटें हमारी आ रही है, आज तक के न्यूज़ चैनल पे बैठ के बोले थे 60 आ रही है सीटें, आई कितनी
तो उनके उनके कहने की खामखा वो बोलते रहते हैं, इनकी बात की कोई फेंकने के अलावा कुछ नहीं है, बस आपकी बातों का मैं जवाब ले लेती हूँ। जी हाँ, देखिए सैम पित्रोदा ने जो कहा कह रहे हैं ना कि जो सीटों को लेके जो बात कर रहे हैं कि भाई ना तो दिल्ली में सीटें आ रही हैं और झोला उठा के चले जाएंगे सात चरणों से पहले ही। तो झोला उठवाएगा कौन? झोला आप लोग उठवाओगे? उठवाओ झोला, हराओ उसको बनारस से, उठवा दो झोला, हरवाओ, 200 से कम सीटें लेकर आओ। मैं तो कहता हूँ 50 सीटें लेकर आओ, विपक्ष को जिताओ, इंडिया अलायंस को जिताओ, कर्नाटक का हाल देखो, मध्य प्रदेश का हाल देखो, महाराष्ट्र में क्या हुआ था वो देखो, फिर अपने देश का हाल देखना वो क्या होता है, अपना हाल देखना क्या होता है, समझ में आएगा। जैसे देखिए आप बात कर रहे हैं गठबंधन को जिताने की, तो अगला पीएम गठबंधन में से किसको देख रहे हैं? देखिए ये तो राहुल गांधी हमारा पीएम बनेंगे, हम तो राहुल गांधी को ही बनाएंगे। मतलब हमारा जहां तक नजरिया है, मैं नरेंद्र मोदी से बढ़िया उनको पीएम का चेहरा मानता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी बातों में वजन होती है। ये तो झूठ बोलने वाले हैं, जुमला फेंक के कहीं चले जाएंगे, 50-60 झूठ बोले हैं। मतलब आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि सबसे फेकू नेता कौन है, तो गूगल सबसे ऊपर सर्च कर देगा नरेंद्र मोदी। देखिए कह रहे हैं सबसे फेकू नेता अगर गूगल पे सर्च करे तो नरेंद्र मोदी निकल कर आता है, और पढ़े लिखे राहुल गांधी है मोदी से ज्यादा, तो उनको मौका देना चाहिए। राहुल गांधी इस देश के सबसे यंगेस्ट युवा नेता है, ऐसे युवा नेता जो आज तक मैच्योर भी नहीं हो पाए। हाँ, तो मैं समझता हूँ मौका तो देना चाहिए ऐसे युवाओं नेताओं को जो अपनी मेच्योरिटी को भी सिद्ध करने का एक मौका दे उन लोगों को, और इन लोगों की मंशाएं भी पूरी हो, और फेकू का जो पद है वो मोदी जी को मुबारक हो। और पद खाली होगी, फेकू की पद खाली होगी और एक युवा नेता उस पद को ग्रहण करेगा। देखिए फेकू जो शब्द कांग्रेस ने, एक कांग्रेस विपक्ष का दिया हुआ नाम है, मोदी जी कोई फेकू नहीं है। वो देखिए जो ये जो मतलब कि बयानबाजी होती है, जो वादे होते हैं, ऐसा नहीं कि हर वादा कोई पूरा करता है। कोई भी पार्टी हो 10 वादे करती है, 8 वादे पूरा करती है, कोई एक दो वादे नहीं पूरे हुए तो इसका मतलब उसको ये फेकू बोल दिया जाए, ये बोल दिया जाए, जुमलेबाज बोल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे अधिकांश वादों को पूरा किया है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ वादों को पूरा किया है। तो उनको ऐसे बोलना, फेकू बोलना, एक प्रधानमंत्री, एक गरिमामयी पद पे उपस्थित प्रधानमंत्री को फेकू बोलना, ये गलत बात है। मैं भाई ने कहा ना, भाई ने जो बोला गरिमा, पद की गरिमा, वही तो मैं पद की गरिमा की बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने अडानी अंबानी का नाम दे दिया तो उसमें ईडी की जांच करवाओ, भेजो ईडी को, अरेस्ट करवाओ। हाँ, वही तो गरिमा की बात कर रहा हूँ, झूठ बोलना। कार्य उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से यहाँ पे आप बोल देते हो। मोदी फेकू है, मोदी जी फेकू है, एकदम से अरेस्ट नहीं किया गया, 9 समर उनको पहले भेजे। मैं इन लोगों की बातों से इतफाक रखता हूँ कि मोदी जी फेकू है, और उन्होंने बहुत सी चीज़ों को उठा के देश के बाहर फेंक भी दिया। 370 को फेंका, पुराने अंग्रेजों के समय के चले आए कानूनों को उठा के फेंका, भ्रष्टाचार को उठा के फेंका, ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ों को आज जो देश में जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी उनको उठा के फेंक चुके हैं। और ये फेकू आने वाले 5 साल में किस किस को उठा के बाहर फेंकेगा, ये देखने वाली बात है। मैडम सबसे पहले 370 की बात कर रहे हैं, 370 जो लगी थी, कब लगी थी, क्यों लगी थी, ये इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। नंबर 1, देखिए मैं आपको बताऊँ क्या हुआ। मैडम वही बताऊँ आप, मैंने अपना घर बनाया, मेरे पास अभी यही व्यवस्था है कि मैं अपना घर बना सकता हूँ। जब मैंने अपना घर बनाया तो क्योंकि अभी मुझे रहने की ज़रूरत है, तो मैं पहले अपने घर की रहने की व्यवस्था करूँगा, उसके बाद मैं इंटीरियर काम करूँगा, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत थी, 370 की ज़रूरत थी, उस टाइम में ज़रूरत थी। अगर नहीं होती तो पाकिस्तान के साथ चले जाते वो लोग, उस टाइम ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ के जो हजारे थे हरी सिंह, वो शामिल नहीं हो रहे थे, अपनी शर्तों के साथ शामिल हुए थे इंडिया में। अगर वो उस टाइम में नहीं करते, शर्तें नहीं रखते ना, अगर ऐसा नहीं रखते तो पाकिस्तान का पार्ट होता वो। दिक्कत ये भी थी, क्योंकि मैंने कहा ना पहले हम अपने घर का इनोवेशन कराते हैं बाद में, क्योंकि उस टाइम अब वो हो गया, अब उसकी ज़रूरत अब ख़त्म हो गया आके, क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच गए, अब उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। लग रहा है कांग्रेस अगर आ जाती है तो आपकी सारी परेशानी हल कर देगी। परेशानी मतलब मीन्स परेशानी मतलब जो परेशानी आपको मोदी जी आज के टाइम में परेशानी, मुझे मोदी से कोई परेशानी नहीं है, मोदी जी की कुछ स्कीमें बहुत सी हैं। मोदी जी के जो एक मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके अलावा किसी एक ने काम नहीं किया। हाँ, और उसमें भी आपको इंडिया और भारत अलग अलग नज़र आएगा उनकी काम में। आप किसी अगर जहाँ नितिन गडकरी रोड बनाया, जो पेड रोड है जिस पर टोल टैक्स हैं, वो रोड देखना उस पर दिखाई देगा इंडिया। और जो आप जो गांव को जोड़ने वाले रोड हैं, वैसे रोड हैं वो देखना, जैसे गड्ढे हैं, आप बेस्ट यूपी में चले जाएँ। मैडम बेस्ट यूपी में चले, अभी इलेक्शन में जो तीसरे चरण का चुनाव था उससे कुछ
टाइम पहले मेरे पास, हमारा एक फैमिली ग्रुप है, मैं जिला एटा का रहने वाला हूँ, तो गांव में हमारे जाने वाली सड़क, मेरे ससुराल में जाने वाली सड़क की फ़ोटो मेरे साले ने खींच के भेजी। मैंने कहा वाह सड़क बन गई, तो कहता है वाह क्या दिल्ली से भी अच्छी सड़कें हैं यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा है तुम्हारा बोर्ड काम आया, तो उनका छोटा वाला भाई बोलता है, कहता है इनका बोर्ड काम नहीं आया, जिन्होंने इनको बोर्ड दिया था उन्होंने तो काम ही नहीं किया। हाँ तो यूपी में जो गाँव की सड़कें हैं, देखो इनको तो यही नहीं पता होगा कि सड़कें होती कितने प्रकार की हैं, ठीक है, और जो गांव की सड़कें हैं वो राज्य के स्तर पे हैं और राज्य के स्तर पे भी काम हो रहा है। भाई यूपी इन्होंने किसकी है, दिल्ली का एग्जांपल दिया है, यूपी का एग्जांपल दिया है, यूपी में सरकार किसकी है, कौन बनाएगा सरकार ने, चाहे वो ग्राम प्रधान से बने, चाहे वो बीटीसी मेंबर से बने, या नगर पंचायत से मिले, ब्लॉक प्रमुख से बने, ये पद किसके पास, सारे पद मुख्यमंत्री कौन है यार, अखिलेश के टाइम पे क्यों नहीं बनी, मायावती के टाइम पे क्यों नहीं बनी, मुलायम के टाइम पे क्यों नहीं बनी, बिहार में लालू यादव थे, लालू यादव के टाइम में बिहार में सड़कें क्यों नहीं बनी, अभी एक एग्जांपल दिया, जिस टाइम में क्यों नहीं बनी उसका जवाब दो ना मैडम, उस टाइम में जरूरत नहीं दिखती, क्यों जरूरत नहीं दिखती थी, बिहार में मैडम, बिहार में आदमी 10 किलोमीटर जाने के लिए, मैडम मैडम बैठ जाएगा मैडम आपका, अरे एक मिनट मैडम, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने रोड बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया, मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि यही इसी सरकार, आप जो मर्जी मतलब निकालो, नहीं नहीं कहा नहीं है लेकिन हाँ बनवा दिया, मतलब उसके पहले बिना रोड के लोग चलते थे, रोड नहीं था, 10 साल में सारा काम हो गया, 10 साल के पहले काम नहीं हुआ था, अरे जरूरत ही नहीं थी, नहीं अरे इनको बने हुए थे मैम, मतलब बने हुए थे मैडम, एजुकेशन की, एजुकेशन की मैडम, एजुकेशन की जरूरत थी मैडम, एजुकेशन की जरूरत थी, स्कूल बनवाए, अखिलेश ने स्टार्ट कर दिया था हाईवे की, हाईवे की मायावती ने स्टार्ट कर ली थी यूपी के, सबसे पहले हाईवे, एक मिनट, दरभंगा में मोदी जी ने एम्स बनवाया है, लोग जा रहे हैं ढूंढ के आ रहे हैं, वो एम्स मिल नहीं रहा है, कहाँ गया एम्स, हवा में बन रहा है एम्स। देखिए आज़ादी के बाद से, जब से आज़ादी हुई है तब से कांग्रेस ने कुल 6 एम्स बनवाए थे, इन्होंने जो अभी ये भाई साहब बात कर रहे हैं कि दरभंगा में एम्स मिल नहीं रहा है, देखिए मैं बता दूं, जो इन्होंने 16 नए एम्स की जो घोषणा की थी, अभी एम्स कुछ बन रहे हैं, कुछ में जो है पाठ्यक्रम चालू हो गया, कुछ देखिए समय लगता है बनने में, कोई रोबोट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हर चीज़ को एक ही दिन में 24 घंटे में तैयार कर दिया जाए। अभी ये लोग रोड पे बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं आज़ादी के बाद से इन 10 सालों में जितना रोड बना है उसका आधा भी रोड ये 65 सालों में कांग्रेस ने नहीं बनाया था, ये जाए फैक्ट चेक कर लें। और रही बात गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, मैं बता दूं ये समाजवादी पार्टी और इसका बहुजन समाज पार्टी का यहां पे 20 सालों तक सरकार रही उत्तर प्रदेश में, ये लोग जगह जगह गड्ढे, जगह जगह रोड, ये कंक्रीट उसके रोड बने हुए थे, ये कच्चे रोड बने हुए थे, लेकिन उसके आने के बाद ये जो आप कह रहे थे ना कि रोड नहीं बना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गाँव गाँव में हो सकता है इक्का दुक्का गाँव कोई छूट गया हो, उसमें भी विधायक की गलती, जो समाज पार्टी के विधायक हैं उनको काम करना चाहिए, वो उपेक्षा इसलिए कर रहे हैं कि मैं इनको भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दूंगा कि मेरे यहाँ रोड नहीं बने हैं, उनके विधायक निधि में भी रोड आता है, उनको भी रोड बनाना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये नहीं है बहुत से रोड बने हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज़ों में सर्वांगीण विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों को शौचालय से लेकर हर क्षेत्रों में, शिक्षा, एम्स, IIIT, रक्षा निवेश, यहाँ तक कि आपने रक्षा, हम लोग क्या करते थे पहले रक्षा, उसमें रक्षा विभाग में वो ने जो हम लोग का निर्यात था 8,000 करोड़ का था, आज 40,000 करोड़ का है, हम लोगों ने तेजस जो है, तेजस हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तेजस विमान को इंपोर्ट किया तमाम देशों को, तो हर चीज़ में हम लोग की भागीदारी बढ़ी है, विश्व पटल पे पहले हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी, आज जो है हम लोग जो है 4थे नंबर पे आ चुके हैं, कुछ दिनों में हम लोग जो है इसको ओवरटेक कर जाएंगे, जर्मनी और जापान को भी ओवरटेक कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है हर क्षेत्रों में काम हुआ है, कुछ नाराजगियाँ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हुआ है। वो बात कर रहे हैं कि देश की GDP की बात कर रहे हैं हम, GDP में मैडम आप जो इंडेक्स है, भूख का जो इंडेक्स है, इंडिया सबसे नंबर वन पे है इस टाइम, और 80 लाख लोग 5 किलो अनाज के लिए बिले पड़े हैं, लाइन में लगे हुए, बेरोजगार है सबसे, मैम इनकी बात सही है GDP बढ़ी है, लेकिन मैडम आपको सोचिए मेरे मोहल्ले में मेरे एक जो बाढ़ का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो है करोड़पति, और तीन वो है अरबपति, मैडम वो है अरबपति, और तो पूरे गांव, पूरा मोहल्ला मेरा अमीर हो जाएगा, नहीं होगा ना, इसी तरह से देश के अंदर केवल अडानी अंबानी अमीर हैं, देश की 90% जो पैसा है केवल 10 लोगों के पास है, इसलिए पैसे की एक फिलॉसफी होती है, आज दुनिया में जितना भी पैसा है सब पैसे को एक जगह इकट्ठा करके सबको बराबर बांट दिया जाए, तो आप देखेंगे कि 10 सालों बाद 15 सालों बाद कुछ सालों के बाद जिसके पास जितना पैसा था उसके पास उतना ही पैसा चला जाएगा, संभालने की एक कैपेसिटी होती है, संभालने की क्षमताएं होती हैं, जो जितने पैसे को संभाल पाएगा वो उतने पैसे लेगा। और ये जो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, जैसे कि सन 2014 से पहले तो सब
मिनिस्ट्रीज में लगे हुए थे, सबको रोजगार मिल रहा हुआ था। ये नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे कि आज ये एक थे और 10 सालों में ये एक से बढ़कर 5 हो गए। मैडम एक मिनट देखिए, अब ये सरकार की अब जनसंख्या, चाइना सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, वहाँ रोजगार के उपलब्ध होते हैं। मैम ये क्या है, इनका किसी भी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया 10 साल से, तो आपसे सवाल तो उनको तो 65 साल 70 साल दिया है ना, इनका तो अभी 10 ही साल। मैम हमारे देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में क्या था, क्या था, कुछ था उसके तुरंत 10 साल के बाद, यहाँ तक कि हमारे देश का लास्ट जो गोवा जब शामिल हुआ 1962 में शामिल हुआ इंडिया में, ठीक है ना, 55 में हैदराबाद हमारे इंडिया में शामिल हुआ है, तो और कश्मीर हुआ है, ये बाद में सब बाद में हुए हैं। इसके बाद फिर 1962 में हमने जंग लड़ी, ठीक है, फिर थोड़ा पैसा खर्च हुआ, फिर थोड़े उभरे 1972 में, फिर हमने पाकिस्तान से जंग लड़ी। मैम पैसा खर्च हुआ है मैडम जंगों में, क्योंकि हमारे देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज हमने एयरपोर्ट बना दिए। ये कहाँ भूल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि हमारे देश में सुई नहीं बनती थी आज़ादी से पहले, जो अंग्रेज लूट लूट के चले गए, जो विदेशी मुगल लुटेरे लूट लूट के चले गए, वो क्या था, हैं, तक्षशिला थी क्या, वो थी मंदिर इतने बड़े बड़े बने हुए थे, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई थी, हैं, वो क्या थी, ये सुई की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस थी उस टाइम में क्या, मैम कांग्रेस की बात कह रहे हैं कि कुछ बनता नहीं था, सुई नहीं बनती थी, क्या थी था देश के, अरे ये पाकिस्तान जिस पैसे पे पला, वो पैसे हमारे दिए हुए थे, 500 करोड़ हमारी झोली से लेके गया था, पार्ट का हिस्सा था वो बंटवारे में, क्योंकि ये बाप बेटा बंटवारा हुआ तो उसे कुछ तो मिलता, तो बाप और बेटे का अगर बंटवारा हुआ तो बेटे को अपनी अपनी सारी औलादें लेके जाना चाहिए था ना। हमारी मर्जी है, हम जहाँ चाहे हम अपनी मर्जी से रुके। अब आप देखिए इनका मेन मोटिव क्या है, कहीं किसी भी तरह से घुमा फिरा के एक ही मोटिव पे ले आओ, हिंदुत्व पे। अब इन्हें क्या 5 बच्चे पैदा करो या 5 कहा इन्होंने हमारी आबादी को, अभी जो तुम बेरोजगारी की बात कर रहे हो, बेरोजगारी आती कहाँ से है, अरे बेरोजगारी सरकार ने ठेका नहीं ले रखा सबका, सरकार का आंकड़ा है, आपको सरकार सुरक्षा दे सकती है, आपको आपको एक ऐसा माहौल दे सकती है जिसमें आप अपना विकास करो, अपना डेवलपमेंट कर सको, आप अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाएंगे, सरकार आपको एक सुरक्षित माहौल दे सकती है, सरकार आपको तनख्वाह लाके नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे। चलिए तो अभी के लिए मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, बस आखिरी सवाल आपसे, बस एक एक सेकंड में रिप्लाई दीजिएगा प्लीज, क्या लग रहा है अगले चुनाव में कौन होगा अगला पीएम? राहुल गांधी। अच्छा, एक वार्ड में मैम गठबंधन की 543 MP लड़ रहे हैं, उनमें से कोई एक हम मोदी को देखना चाहते हैं। तीसरी बार ऐतिहासिक तरीके से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ, जो है जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अभी हमने लोगों से जाना और बात की कि भाई 3 चरण होने के बाद क्या स्थिति उनको नज़र आ रही है लोकसभा चुनाव की, अभी 4 चरण बाकी है, उसमें क्या फेरबदल होगा, या फिर बीजेपी ही आएगी जो कि अभी है ऑलरेडी सीट पर, या फिर जो गठबंधन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उनके दावे जो है पास हो जाएंगे जनता के सामने। तो जानने के लिए बने रहे दानियो 15 के साथ, शिवानी बागवानी कैमरामैन गौरव के साथ।